हेलो पेरेंट्स, अभी आपका बच्चा 16 वीक की साइज एज में अप्रोक्स ऑरेंज साइज मतलब कि 11 टू 12 सेंटीमीटर का हो गया है, उसमें क्या डेवलपमेंट हो रहा है और उसको बेस्ट बनाने के लिए और अपनी प्रेगनेंसी को हैप्पीली कैरी करने के लिए आपको क्या करना चाहिए ये समझने के लिए ये वीडियो देखिए। यस पेरेंट्स, जैसे आप सब जानते हैं मैं डॉक्टर मेघा शाह गायनेकोलॉजिस्ट गर्भ संस्कार एंड पेरेंटिंग कोच एंड फाउंडर ऑफ तथास्तु। आज मैं आप लोगों को 16 वीक के बारे में समझाने वाली हूँ। देखो पेरेंट्स, अभी आपका बच्चे के स्पाइनल कॉर्ड बन गया, अभी वो अपने बॉडी को धीरे धीरे अपराइट पोजिशन में कर रहा है, उसके लिम्स की कंप्लीट फ्लेक्सीबल मूवमेंट शुरू हो गई है, उसके हाथों की ग्रीप एक एज ए ह्यूमन हमारी जो सबसे अलग क्वालिटी है जो हमें दूसरे एनिमल से अलग करती है दैट इज़ दिस ग्रीप। ये ग्रीप्स डेवलप होने लगी तो वो चीज़ों को पकड़ने लगता है, इनसाइड वो अम्बिलिकल कॉर्ड को भी पकड़ने की कोशिश करता है। अभी उसके रिफ्लेक्स एक्शन मतलब क्या, मान लो मैं आपके सामने कोई चीज़ फेंकूँ तो आप इमीजिएटली हाथ को ऐसे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए लगा दोगे। तो ऐसे अपने प्रोटेक्शन के लिए जो हमें नेचुरल वे में कुछ एक्शंस मिले हैं उसको रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। तो बच्चे के रिफ्लेक्स एक्शन शुरू हो जाते हैं, मतलब कि बच्चा अभी अपने आप को सर्वाइव करना सीख चुका है या सीख रहा है। तो इसकी वजह से अभी उसकी जो भी मूवमेंट्स होती है वो बहुत मीनिंगफुल होती है। 16 वीक के बाद बच्चा वूम में जो भी मीनिंग मूवमेंट देता है वो रैंडमली नहीं होती है, वो कोई वजह से होती है। इट मे बी कनेक्टेड विथ सम इमोशनल स्टेटस या सम माइंड स्टेटस या सम ब्रेन स्टेटस, वो हमें कुछ कन्वे करना चाहता है तो पर्टिकुलर तरीके से मूवमेंट देता है। सो यस, अभी आपका जो बेबी है काफ़ी हद तक अब ह्यूमन की तरह बिहेव करने की शुरुआत करने लगा है। एंड यस, इस वक्त पे मदर्स को क्या होगा, डेफिनेटली बैकएक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, थकान है, ये सारी चीज़ें तो होगी क्योंकि ये तो सब प्रेगनेंसी पैकेज है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। साथ में कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स जो होते हैं उसमें से एक जो है वो है इचिंग इन द आई, आपको आँखों में ड्राइनेस या इचिंग या रेडनेस समटाइम्स हो सकती है, उसके लिए यू कैन यूज़ सम ड्रॉप्स आफ्टर कंसल्टिंग योर डॉक्टर फ्रिक्वेंटली। आप अपनी आँखें ठंडे पानी से साफ भी कर सकते हैं। दूसरी बात है मूड स्विंग्स, 16 वीक्स के बाद हार्मोनल अप एंड डाउन्स की वजह से मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। एंड यस, एवरी पापा को मैं कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ ये बात को समझिए, अपने पार्टनर को पूरी तरीके से कंफर्ट दीजिए, उनके जो भी अप एंड डाउन्स है, क्राइंग स्पेल्स है, इरिटेशन है, छोटी छोटी बात में बिना वजह गुस्सा होना, ये सब कुछ आपके बेबी को वो जो संभाल रही है उसकी वजह से, जो हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं उसकी वजह से है। सो प्लीज़ ये चीज़ का आप ख्याल रखिए और उनको पूरी तरीके से सपोर्ट कीजिए। एक दूसरी चीज़ बहुत मम्मियाँ नोटिस करेगी वो है इंक्रीज लिबिडो, मतलब कि सेक्सुअल डिज़ायर जो है वो 4, 5, 6 मंथ में बहुत ज़्यादा होती है। अगेन दिस इज़ बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लड जो है वो हमारे सेक्सुअल ऑर्गन तक बहता है तो उसकी वजह से आपको ये डिज़ायर हो सकती है। सो इट्स फाइन टू हैव अ सेफ रिलेशनशिप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सेकेंड ट्राइमेस्टर में यू कैन हैव सेक्सुअल रिलेशनशिप इफ़ यू वॉन्ट, वो आपके बेबी को डेफिनेटली हार्म नहीं करेगी क्योंकि उसके आसपास एक बहुत अच्छा कवरिंग है, प्रोटेक्शन लेयर है। यस, थर्ड ट्राइमेस्टर में मैं आपको अवॉइड करने के लिए कहूँगी क्योंकि फादर के जो सीमेंस होते हैं उसमें से प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होता है एंड व्हेन मदर गेट्स इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिलेशनशिप तो ऑक्सीटोसिन करके एक हार्मोन रिलीज होता है। ये दोनों लास्ट 1 या 2 मंथ में लेबर को इनिशिएट कर सकते हैं, मतलब कि डिलीवरी के पेन को शुरू कर सकते हैं, तो अर्ली डिलीवरी पेन हो सकता है। तो यस, आपको लास्ट 2 महीने अवॉइड करना है, बट अभी एट दिस फेज आप ये रिलेशनशिप को एंजॉय कर सकते हैं।
इसके अलावा आपको काफ़ी बैकएक होगा क्योंकि अभी आपका जो टमी साइज जो है वो आगे की ओर डेवलप हो रहा है, मसल्स आगे की ओर स्ट्रेच हो रहे हैं। इसके बारे में डिटेल वीडियो मैंने आपको प्रेगनेंसी पोस्चर में समझाया है, क्या केयर करनी है, किस तरह से ये प्रॉब्लम्स को हमें अवॉइड करना है। सो आप वो वीडियो की लिंक यहाँ मैंने दी है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। विद दिस आपके बच्चे के अंदर जो दो बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हो रहे हैं उसके बारे में मुझे बात करनी है। एक है बच्चे के इमोशनल सेंटर का डेवलपमेंट। बच्चे का इमोशनल सेंटर अभी बहुत अच्छे से डेवलप हो रहा है और वो आपसे कनेक्ट हो रहा है। सो दिस इज़ द टाइम जब मम्मी एंड पापा अपने बेबी से इतना अच्छा ब्यूटीफुल बॉन्ड क्रिएट कर ले कि बच्चा जीवन भर उनसे कनेक्टेड रहे। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन लाइफ में होंगे जब बच्चे बड़े होंगे तो, बट इमोशनली वो आपसे बहुत कनेक्टेड होने चाहिए और वो कनेक्शन डेवलप करने का ये वक्त है। उसके लिए बच्चे से रेगुलर बात करना, गर्भ संवाद, बेबी टॉकिंग, जिसका ऑलरेडी एक वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, वो भी आप देख सकते हैं, तो वो मम्मी और पापा दोनों को करना है। देन कीप राइटिंग डायरी। आप डायरी में बच्चे से अपनी सारी फीलिंग्स जो हैं वो शेयर कीजिए। बच्चे को बहुत सारी जो वैल्यूज सिखानी है आपको, जैसे कि बच्चा बड़ों को रिस्पेक्ट करे, बच्चा सच बोले, उसके लिए अभी उसके साथ बहुत सारे इंसिडेंसेस शेयर कीजिए, ऑटोबायोग्राफीज शेयर कीजिए, रीडिंग कीजिए। रीडिंग सिर्फ प्लेन रीडिंग नहीं कीजिए, बहुत ज़रूरी है कि आप महीने के डेवलपमेंट के हिसाब से रीडिंग करें, बट साथ में रीडिंग करने के बाद उसके ऊपर मनन चिंतन करें, बाद में बच्चे के साथ बात भी करें कि बेटा हमने ये जो चीज़ पढ़ी इसमें हमें पता चल रहा है कि हमें भी ऐसा करना चाहिए। यस, डोंट एडवाइस बेबी। जब ये बात कर रहे तब बच्चे को एडवाइस मत देना, अच्छा तो तुम्हें भी बहादुर बनना है, प्लीज़ डोंट डू दैट। बट यस, यू कैन शेयर विथ योर चाइल्ड। ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ करिए। अच्छा म्यूज़िक बच्चे के साथ शेयर कीजिए, अपने लाइफ के इंसिडेंसेस बच्चे के साथ शेयर कीजिए। ये सारी चीज़ें आपके बच्चे को परमानेंटली आपके साथ कनेक्ट कर देगी। एंड यस, सारे पापा को भी दिस इज़ द टाइम, अगर आप चाहते हो कि बच्चा सिर्फ मम्मी को ज़्यादा प्यार नहीं करे, आपको भी बहुत ज़्यादा प्यार करे, आपसे भी बहुत कनेक्टेड रहे, तो दिस इज़ द टाइम फॉर यू। आप भी बच्चे से बहुत सारी बातें कीजिए, आपने पूरे दिन जो भी किया अपनी ऑफिस में, अपने काम में, वो बच्चे से शेयर कीजिए, बच्चे को अपना प्यार पास ऑन कीजिए। एक बहुत अच्छी रिसर्च हुई है जिसमें प्रेग्नेंट लेडी जो थे उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करके रिसर्च के लिए सेंटर पे बुलाया जाता था और उनको 3 तरह की एक्टिविटीज़ करनी थी। फर्स्ट ग्रुप में था कि मम्मी एंड पापा, मम्मी मदर जस्ट बैठती थी आधे घंटे, बच्चे की मूवमेंट को ऑब्जर्व करती थी। सेकंड ग्रुप ऑफ मदर जो थी वो बैठती भी थी और साथ में बच्चे से बात भी करती थी। एंड थर्ड ग्रुप में मदर बात करते हुए बच्चे को बड़े प्यार से टमी पे अच्छे से स्पर्श करती थी। एंड दे नोटिस कि जब मम्मी बात करते हुए बच्चे को स्पर्श करती है, इवन पापा जब बच्चे से बात करते हुए मदर के चमी पे बच्चे को प्यार करते हैं हाथ घुमा के, तो बच्चा ये चीज़ को बहुत प्यार से नोटिस करता है, बहुत पॉजिटिवली रिस्पॉन्स देता है। सो दिस इज़ द टाइम एंड स्टार्ट डूइंग दिस। सेकेंड चीज़ है, बच्चे की जो सारी 5 senses है ना वो बहुत अच्छे से अभी डेवलप हो चुकी है, ऑलमोस्ट डेवलप हो चुकी है और रिस्पॉन्ड दे रही है। सो नाउ दिस इज़ द टाइम टू क्रिएट लॉट ऑफ एंकरिंग। आप अभी से अपने बच्चे के फ्यूचर बिहेवियर को एंकर कर सकते हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं, बच्चा इनसाइड मदर के हार्ट बीट्स को पहचानता है और इसी वजह से जब हम जन्म लेते हैं उसके बाद में हमें तबला, ड्रम, ये सारी आवाज़ें पसंद है क्योंकि वो मदर की हार्ट बीट से मिलती है। एंड दैट इज़ अ रीज़न कि मदर जब बच्चे को ऐसे होल्ड करती है तो बच्चा चुप हो जाता है क्योंकि यहाँ पे उसको मदर की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसे भी रिसर्च हुए कि बच्चे के जन्म के बाद जब मदर के हार्ट बीट्स की रिकॉर्डिंग सुनाई जाती है तो बच्चा चुप हो जाता है। सो बच्चा इनसाइड जो भी आवाज़ें सुनता है उससे वो एक तरह से इमोशनली कनेक्ट होने लगता है। दूसरी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, हम सबको पता है कि बहते पानी की जो आवाज़ होती है वो हमें सूदिंग फील कराती है। जब भी मेडिटेशन या कोई भी माइंडफुलनेस की एक्टिविटीज़ होती है तो हम बहते पानी की आवाज़ को यूज़ करते हैं, वो हमें रिलैक्स करती है। क्यों?
क्योंकि इनसाइड बेबी ने अपने आसपास जो एमनियोटिक फ्लूइड है, जो ब्लड है, उसके बहते पानी की आवाज़ सुनी है. सो ये आवाज़, जब भी हम ये आवाज़ सुनते हैं, हमें हमारी वो वूम लाइफ की कंफर्ट की ओर ले जाती है. सो आप ऐसी ही, दिस इज़ नेचुरल थिंग जो बच्चे के साथ हो रही है, बट आप बहुत सारे म्यूज़िक, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस, बहुत सारे इंसिडेंसेस के साथ, बहुत सारी स्मेल के साथ, बहुत सारे स्पर्श के साथ बच्चे का ऐसा प्रॉपर इमोशनल एंकरिंग क्रिएट कर सकते हैं, जिससे बाद में जब बच्चा पढ़ाई करने बैठे, जब आप चाहते हो कि बच्चा कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ाई करे, जब आप चाहते हो कि बच्चा पेशेंसली बिहेव करे, बच्चा पॉजिटिवली बिहेव करे, तब आप ये एंकरिंग को यूज़ कर सकते हो. इसके बारे में अगर आपको डिटेल में सब सीख के इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना है, तो आप डेफिनेटली हमारा जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, अनबॉर्न डेवलपमेंट, चाइल्ड एंड साइंटिफिक गर्भ संस्कार प्रोग्राम, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं. या तो आप हमारे जो ऑफलाइन वर्कशॉप सभी फिर से शुरू होने वाले हैं, उसमें ज्वाइन कर सकते हैं. देर आर सो मैनी वेज जिससे आप हमारे साथ ये पूरा डेप्थ इन नॉलेज ले सकते हैं, हमारी ऐप परचेज कर सकते हैं, बुक ले सकते हैं. तो इसके लिए आप टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ. देखो, बच्चे का जो इमोशंस रिएक्शन है ना, मतलब कोई भी सिचुएशन में इमीडिएटली गुस्सा करना या पेशेंसली बिहेव करना, काम रहना, जो हमारे इमोशनल रिएक्शन है, जिसको हम ब्रॉडर सेंस में इमोशनल क्वेश्चन कहते हैं, वो भी दिस इज़ द टाइम, फोर्थ एंड फिफ्थ मंथ है जहाँ पे ये इमोशनल रिएक्शंस बनते हैं. एंड बच्चा मिमिक करता है, बच्चा इनसाइड से पेरेंट्स, स्पेसिफिकली मदर के बिहेवियर को मिमिक करता है. एंड दैट इज़ द रीज़न जो लोग मदर को नहीं पसंद होते, मदर जिनसे बात करना अवॉइड करती है ना, बच्चे जन्म के बाद बच्चे भी वो लोगों को अवॉइड करते हैं. सो मदर बी केयरफुल. अभी के वक्त आप बहुत पॉजिटिवली, बहुत काम वे में, बहुत बैलेंस वे में अपने रिएक्शंस दे, ताकि आपके बच्चे को बाद में आपको ये सब नहीं सिखाना पड़े. क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि बाद में सिखाना सिर्फ ऊपर से लिपा पोती है. संस्कार और वैल्यूज़ हम बच्चे को गर्भ में ही दे सकते हैं. ये बहुत बड़ा माइंड साइंस है, जो समझिए और उसको इम्प्लीमेंट कीजिए. एंड यस, बी प्राउड पेरेंट एंड बी ब्लेस्ड.